अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही दिल्ली वासियों को तोहफा देने वाली है। दरअसल राजधानी के सबसे भीड़भाड़ और पुराने बाजार चांदनी चौक की मुख्य सड़क के नवीनीकरण और सौंदर्यकरण का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। चांदनी चौक बाजार की मुख्य सड़क को दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चांदनी चौक बाजार को आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है और मुख्य सड़क पर सौंदर्यकरण होने के बाद से यहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मोटराइज्ड व्हीकल के आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, ताकि चांदनी चौक आने वाले सभी लोगों को जाम या फिर किसी और तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो आइए आपको बताते हैं कि चांदनी चौक के सौंदर्यकरण से पर्यटकों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। चांदनी चौक आने वाले लोगों के लिए सड़क के दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है। बाजार में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल इमरजेंसी वाहनों को छूट मिलेगी। पुनर्निर्माण के दौरान विकलांगों की सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। चांदनी चौक को हरा भरा और खूबसूरत रखने के लिए सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधों के लिए जगह दी गई है। बुजुर्गों के लिए फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी सुविधा दी जाएगी। तो वहीं अगर डिजाइन प्लान की बात करें तो सड़क के सेंट्रल मध्य की चौड़ाई 3.5 मीटर है। सड़क के कैरिज वे की चौड़ाई 5.5 मीटर है। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए 5 से 10 मीटर चौड़ा फुटपाथ मौजूद है। उत्तर दिशा की तरफ कैरिज वे 5.5 मीटर और फुटपाथ 5 से 10 मीटर चौड़ा है। आपको बता दें कि ये सड़क लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक विकसित की गई है। नवीनीकरण और सौंदर्यकरण के इस पूरे प्रोजेक्ट पर 99 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का काम 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था और 31 मार्च 2020 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पूरा करने में 1 साल की देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।